समझा करके कहने लगे ये दांत नहीं बताए तो फिर कौन से दांत बताए। हरिश्चंद्र तू तो बहुत बड़ा झूठा है। जे दांत ना जे खज जाए ताके बाद जमे। हाँ, अच्छा फिर तू कहेगा कि ये बुढ़ापा आ जाए तब करवाएं। अब की बार तुम आ जाना मैं आपको लौटा रहेंगे नहीं, आपका पूरा कर्ज कर देंगे। बरुड़देव फिर लौट गए। कथा को ध्यान लगा करके सुने। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। विश्वामित्र की सभा में इंद्र की सभा में संवाद होने लगा। नहीं ये देखो हरिश्चंद्र सत्यवादी कब से बने। इधर बरोड़ा लौट गई। तारा से हरिश्चंद्र बोले तारा अब पुत्र रोहितास को समझा दो कहीं भेज दो इसको। अब की बार बरोड़ देव आएंगे तो कोई बहाना भी नहीं है जो बहाना भी बना दे। तारा ने रोहित को अपने पास बुलाया। रोहित लाला ओ मैया तुम जंगल में चले जाओ और तुम यहाँ रहोगे। बरोड़ देव तुम्हें कटवा करके यज्ञ में चढ़वा देंगे। कोई बात ना मैया हम बजे जाते हैं। लाला एक बात सुनो। अरे भजी जइया तालियों के साथ बोलो बोला बोला दादा तमो बोला। आज की कथा आप लोगों को कल से मिलने लगेगी YouTube चैनल सनिल कैसेट घिरूर। सनिल कैसेट पे आपकी ये जो कैमरा लगा हुआ है सनिल जी का, तो इस चैनल पे आपको कल YouTube पे ये कथा सुनने को मिलेगी। सब जने बोला सबको चेहरा है बोला बोला।